जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। MPPSC के रिजल्ट के लिए 2 से 3 महीने बहुत सारी न्यूज़ सर्कुलेट हुए, जिसमें से 90% न्यूज फेक्स हैं। तो कोई इंसान जो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट है इसके बारे में सबसे अच्छा बता सकता है। तो इस कोर्ट केस को लीड करने वाले रामेश्वर ठाकुर जी की मुंह जवानी आप खुद सुनेंगे इस वीडियो में। पूरे केस की डिटेल बताई गई है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी चीज़ समझ में आए और आप फेक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़े। लेकिन इससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पहुँचाते हैं आप तक ऑथेंटिकेट और सबसे तेज खबर। इनके हिसाब से 2019 प्री और मेंस का जो रिजल्ट घोषित किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में घोषित किया गया है, और कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट बहुत पहले ही दे दिया था लेकिन गवर्नमेंट ने उसे तक पालन नहीं। ये MPPSC का जो मामला है वो क्या है रामेश्वर जी, जिसकी वजह से छात्रों को परिणाम का इंतजार करना पड़ रहा है? जी हाँ, जी मैं आपकी आवाज़ अभी भी कम आ रही है, आप होल्ड पर रहिएगा, मैं दर्शकों को वो चीज़ बता दूं। अगर आप लोगों को आवाज़ नहीं जा रही होगी तो जाहिर सी बात है आप सुनना चाहेंगे रामेश्वर जी क्या कह रहे हैं, जिस बात को मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। तकनीकी तौर पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आवाज़ में। रामेश्वर जी ये बता रहे हैं कि 2015 का एक नियम है जिसका हवाला दिया जाता है और उसी नियम के चलते ये चीज़ें हैं, यही है रामेश्वर जी? हाँ जी, रूल रिपील नहीं किए हैं जी। 14-9 को अंडरटेकिंग दी थी, 23-9 को दी थी और लास्ट जो है 26-10 को जी महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा था कि जो नियम है उनको सरकार रिपील कर रही है और प्रोसेस होने में मुश्किल से 5 या 6 दिन लगेंगे, ये 26-10 को कहा था। तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप इसको करिए, और केस को उन्होंने बड़ा तारीख उसमें 24 तारीख लगाई गई थी जी, लेकिन 24 नवंबर तक भी मध्य प्रदेश शासन की ओर से कोर्ट में कोई रिस्पांस नहीं दिया गया कि उन रूल रिपील किए हैं या नहीं किए हैं। और नहीं तो अभी जो आप बता रहे हैं रामेश्वर जी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि देखिए अभी हाल में जो सुनवाई हुई वो 24 तारीख हुई, आपका अभिप्राय ये है? हाँ, 24 नवंबर को तारीख निर्धारित थी जी, लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा रिस्पांस नहीं दिया गया इसलिए वो केस डिलिस्ट हो गए जी। तो अब ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए शासन अपनी तरफ से रिस्पांस नहीं देता, इसको मैं विधि की भाषा में आपसे समझूंगा, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं चीजों को रखते हैं, तो इसको कैसे हम समझें सरल भाषा में जो इंतजार करने वाले छात्र हैं, कि अगर अब देखिए इस तारीख में जवाब मध्य प्रदेश शासन की तरफ से नहीं दिया गया जो आप बता रहे हैं, अब ऐसी स्थिति जवाब शासन दे चुकी है। अच्छा, जवाब दे चुकी है, फाइनल बहस हो चुकी है जी, और पिछली पेशी पे कोर्ट 2-9 को कोर्ट संतुष्ट हो चुकी थी कि ये रूल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और नाउ दिस कोर्ट इज गोइंग टू क्वेश जी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस समय टाइम लिया था कि हमको इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ समय दे दिया जाए जी। 14-9-2021 को कोर्ट में महाधिवक्ता ने अंडरटेकिंग दी कि ये रूल स्टेट रिपील कर रही है जी। 23 तारीख को नेक्स्ट डेट लगी, 23 तारीख को भी उन्होंने कोई रिस्पांस दाखिल नहीं किया जी। 26 तारीख लगी हुई थी अक्टूबर में, 26 तारीख को इन्होंने एक हफ्ते का समय चाहा था महाधिवक्ता ने कि प्रोसेस कंटिन्यू है जी। और रूल रिपील करके मैं कोर्ट में पेश करता हूँ जी, इसका रिस्पांस जी। कोर्ट ने 24 तारीख उसमें लगाई कि ठीक है 4 हफ्ते का समय आपको हम देते हैं जी। तो 24 तारीख डेट अपडेट थी, 24 तारीख तक भी इन्होंने कोर्ट में किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं दिया है कि उसमें गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया है। ठीक, ये आपने बिल्कुल बताया, तो चलिए इसको हम ऐसे समझते हैं कि इन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। अब माननीय न्यायालय जो होता है यदि उसके सामने जो दूसरा पक्ष होता है याचिकाकर्ता के अलावा अगर वो रिस्पांस नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय का नजरिया क्या होता है आगे?
इसमें माननीय न्यायालय का नजरिया तो अब चूंकि लाखों केस हैं, प्रकरण विशेष पे माननीय न्यायालय का कोई ध्यान नहीं जाता है, तो आज मैंने माननीय न्यायालय में कोर्ट स्लिप दाखिल की थी जी, कि प्रकरणों की ये स्थिति है तो इसकी अर्लियर हीरिंग कर ली जाए, क्योंकि मेरिट पे बहस हम कर चुके हैं और मेरिट पे बहस करने के लिए हम आज भी तैयार हैं जी, और मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है जी के इन प्रकरणों को वरीयता के आधार पे आप डिसाइड करें जी। इसके बावजूद भी अभी तक माननीय न्यायालय द्वारा इन प्रकरणों में अंतिम निराकरण नहीं किया जा रहा है। नहीं, लेकिन ऐसे केस जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर दिशा निर्देश देता है किसी भी चीज में, तो वो यदि मैं सही हूं तो प्राथमिकता की श्रेणी में आता है। बिल्कुल आता है। तो अब आपको क्या लग रहा है ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए एमपी तक पर जो मध्य प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवा हैं, खासतौर से जो पीएससी से जुड़े हुए छात्र हैं, वो लगातार हमें मेल करते हैं एमपी तक पर, उनका एक ही सवाल होता है कि ये इंतजार कब खत्म होगा। इंतजार इस सरकार के पहले में सरकार जब चाहे इंतजार खत्म करवा सकती है, और एक महत्वपूर्ण चीज और बता रहा हूं, मैंने जो आज कोर्ट स्लिप कोर्ट में मेंशन किया था वो जी रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो रिजेक्ट हुआ है इसको कैसे समझे हम, इसके मायने क्या है? इसके मायने हमने कोर्ट में जो कोर्ट स्लिप दी थी कि इसकी तत्काल सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि हमारे आवेदन भी अर्जेंट हीरिंग की पेंडिंग है, तो कोर्ट ने हमारे निवेदन को अस्वीकार कर दिया है जी। अब ऐसी स्थिति में आपका अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम यह है कि पुनः हम एक आवेदन दाखिल करेंगे मंडे को जी, यह मेंशन करते हुए जी, और फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट में जी। अभी हालांकि चूंकि आप लगातार मामले को उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए, क्योंकि छात्रों के सामने अगर संकट रहता है, तो इन छात्रों ने लोक सेवा आयोग के बाहर भी प्रदर्शन किया, तो वहां जो अधिकारी थे उन्होंने तो ये कहा कि हम जल्द ही परिणाम घोषित करेंगे, ऐसी बातें भी निकल कर आई सामने, यदि मैं सही हूं तो। चूंकि परिणाम यदि वो घोषित करेंगे जी, तो उसमें लिटिगेशन और बढ़ेंगे, क्योंकि जो नियम मध्य प्रदेश सरकार संशोधित करने की घोषणा कर चुकी है जी, तो जो भी रिजल्ट जारी होंगे वो पूर्व के नियमों के अनुसार होंगे जी, और रिजल्ट जारी करने के लिए वो स्वतंत्र रिजल्ट जारी कर सकते हैं, जैसे 2019 का मेंस का रिजल्ट है, 2020 का प्री का है, तो वो अभी तक क्यों नहीं घोषित, वो भी तो घोषित नहीं हो रहा है ना रामेश्वर जी? नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के द्वारा घोषित इसलिए नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि रूल्स की संवैधानिकता चैलेंज है जी, और कोर्ट ने 27 जनवरी 2021 को अंतरिम आदेश पारित किया था कि एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन जी। इसके बावजूद भी इन्होंने मेंस कंडक्ट कराया था जी, क्योंकि 2019 का जो रिजल्ट घोषित किया था वो संशोधित नियमों के अनुसार घोषित किया था जी, जो याचिका है वो रिजल्ट निरस्त करने की भी मांग की गई है, और वो नियमों को भी असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है जी जी, और इन्होंने उसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए मेंस भी कंडक्ट करा लिया था और 2020 का प्री भी कंडक्ट करा लिया, दोनों रिजल्ट फेल्ड किए हैं इन्होंने जी। अब यदि इनको इंस्ट्रक्शन देता है तो रिजल्ट घोषित वो कर सकते हैं, कोई वैसी रोक तो नहीं है। अब हम आते हैं उस स्थिति में कि जो इंतजार कर रहे हैं छात्र, मैं संक्षेप में इतना आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कई छात्र भी मेरे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़ने की बात कर रहे थे कि वो अपनी बात एमपी तक पर रखना चाहते हैं, उनसे भी